गांधीजी करके विचार था कि मुझे फूट जाएगा, उनको चेहरा दिखना चाहिए क्लियर बात करने के लिए। एडमिट होने का एडमिट हो जाएगा आपका। प्रदीप ने ससुर के बर्थडे पे छोड़ दिया, इसके बाद क्या हुआ? ससुर की तरह वाइफ की तरह इसमें अभी चलो ठीक है, बच्चे थे अपने बच्चे के लिए ही सब पता है। ससुर आए अभी सब तो कर दिया इस कारण ठीक है। जान दी प्रदीप के पास में ये प्रॉपर्टी के लिए गए थे जो मानिक लाल खानजस में उधर गया था, क्या बोलता वो? मेरी माँ बहुत गलती थी उसके साथ, हाँ उसने तो सब ले लिया, मैं दे दिया उसको वो और उसका बात बोल दिया। तो तुमने प्रदीप को खुद होके बोल दिया तुम ले लो मेरे को नहीं चाहिए? आपने बोला नहीं कुछ तो फिर उसका और बोल दी। तो उसका अकेले का हिस्सा कैसा हुआ उसमें? तुम्हारा भी हिस्सा होना चाहिए ना। मैं हमको पहले दे दिया जो जो चालीस पूछने वाली थी, हाँ लेकिन एग्रीमेंट एग्रीमेंट हुआ जब तक बताए नहीं हमको। अच्छा, और जब बिल्डिंग रेडी हो गया रहने को गया, जब दाव देने को आए कि भाई सत्यनारायण का छोटा सा पूजा। अच्छा भैया हम लोग गुजरात में थे, तुम गुजरात में थे तुमको मालूम नहीं पड़ा? हाँ ठीक है, ये पॉइंट आदमी की गैरहाजिरी में प्रॉपर्टी को लिया दिया गया और सके भाई को बड़े भाई को बताया नहीं गया, ये पॉइंट है। मैं पॉइंट से बात करूँगा और से ही बात करूँगा हॉस्पिटल में। और मेरा शादी हो गया, हाँ मैं तो इधर से एक संबंध ले लिया मेरा, हाँ एक चम्मच ले लिया इधर से, हाँ जो मेरा ससुर ने मेरे को दहेज में दिया, चम्मच से चम्मच से लेके भी सब दिया, सब सब मैं ले लिया। मैं खाली मेरा एक जोड़े का मैं लेके मारे दिया। इसमें हम लोग कह रहे गुजरात, अरे एग्रीमेंट कभी क्या हुआ कैसे बनाया वो हमको नहीं मिली कोई बात, वो अंधेरे हम लोग को अंधेरे में रखा। अच्छा ये बीमारी कभी से? एक बीमारी अभी तो दो महीने हुआ तो बारिश में फिर सूची है, बारिश में ले लीक चला था ये कहला बोला मेरे को मनीष ने बताया था लीक अच्छा रहा थी अच्छा सब कुछ था लेकिन अचानक में बीमारी। अच्छा बीमारी के बाद में आपने प्रदीप को फ़ोन किया था क्या? हाँ प्रदीप को फोन बहुत बार फ़ोन किया, क्या बोलता है वो? तुम जाना हो तुम्हारा काम जाना हो, हमको नहीं ये हमको फोन नहीं करना। अच्छा इसको भी मैं बहुत बार बोला हूँ, मैं बहुत बोला हूँ भाई मेरे को बचा ले, आज सुबह को भी फोन किया कल भी फोन किया कि कोई आने के तैयार नहीं। मेरे को आज बताया मेरा भांजा आया था अभी, कौन मेरा भांजा है बेर के लड़का, हाँ वो एक भी रहता है वो बोलता मैं सुबह को आता हूँ नंबर पर मैं इसको दे दूँ मनीष को, वो मोबाइल उसका ये कहा ये बड़ा तो बड़ा है ना इधर है ये ये क्या ये है इधर है ना रात को कोई भी आता है इसका जेबीप चेक चेक करता है बड़ा मोबाइल छोड़ जाए इसके इधर रख देता हूँ अंदर। ठीक है मैं कल आऊँगा इसके पास से आपके पास। आज मैं तीन चार दिन से खाना नहीं खाया है, कुछ खाना तो नहीं क्यों कुछ मैं मंगा देता हूँ कुछ खाओ, चल सकते हो क्या? नहीं चल सकता वही तो बात है, पैसा भी बंद हो गया तीन दिन से पैसा भी आया मेरे को। हमको कल राजवाड़ी में लेके तुमको चलना पड़ेगा, मैं आऊँगा साथ में गाड़ी चलने को ही नहीं हो रहा है, अरे स्टेशन पे आपको लेके जाएंगे स्टेशन पे उठा के ले जाएंगे, चलने नहीं आना कोई बात नहीं उसका मैं इंतजार। 11 बजे आने वाला है इधर सुबह पंजाब, ठीक है मैं 11 बजे आऊँगा। 11 बजे आएगा ना ये भी वर्क पे भी आता है 11 बजे तक भी आएगा, हम लोग 11 बजे आएंगे ठीक है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर लेगा मेरा ससुर है।